इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एम परिवहन के अंदर इस तरीके से आपको दिखाई देता है अनेबल टू डाउनलोड द वर्चुअल आरसी या ड्राइविंग लाइसेंस, प्लीज ट्राई अगेन सम टाइम। इस तरीके से मतलब कि हमें एरर शो कराता है, तो इस एरर को हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, इशू हो जाते हैं, कोई यहाँ पर मेन इशू नहीं है। ऐसा होता है कि हम डॉक्यूमेंट को ज़्यादा डालते रहते हैं और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, लॉगिन करते हैं, डायरेक्ट डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें टाइम लगता है रिफ्रेशिंग वगैरह होने में। तो उसमें आप थोड़ा सा टाइम रखिएगा, यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन और अच्छा रखिएगा। एंड यहाँ पर हमारे एम परिवहन के अंदर एक अपडेट भी आ रहा है जो कि यहाँ पर हम करते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर हमारे जो इशू है वो सॉल्व हो जाते हैं। हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारा अपडेट, हम इसको रेडी करते हैं और अपडेट पूरा कंप्लीट होने के बाद हम इसे ओपन करेंगे। एंड उस पहले सबसे पहले हमने फ़ोन को बंद करके खोल लीजिएगा, फिर हम इसको दोबारा ओपन करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसे देखते हैं तो हमारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो रहे हैं, और यहाँ पर 2-3 मिनट का वेट कर लेते हैं और फिर हमारे यहाँ पर प्लीज़ वेट डाउनलोड्स डिटेल्स पहले जो आ रही थी वो नहीं आएंगी। लेकिन आप फ़ोन को 2-4 मिनट बंद करके रख के खोलेंगे तो ये वाला जो इशू होगा ये फिर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर किसी किसी के डिवाइस में सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर वो सेटिंग्स में जाइए और यहाँ पर ऐप्स में जाइए, मैनेज ऐप्स में जाइए और सबसे पहले यहाँ पर एम परिवहन को यहाँ से डेटा क्लियर मार दीजिए, दोबारा लॉगिन कर लीजिए, उसमें जो डॉक्यूमेंट वगैरह हो तो आपके पास आ ही जाएगा। एंड अपने फिर बैक लाना है, अपने सिम कार्ड से मोबाइल नेटवर्क पर जाना है, एरोप्लेन मोड को अपने मोबाइल के डेटा को ऑन कर देना है आपको सबसे पहले अगर बंद हो तो, और दूसरी बात यहाँ पर आपको जो है कनेक्शन एंड शेयरिंग पर एरोप्लेन मोड को भी लगा देना है। तो इतना ही करना है, फिर आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।